सर वो बहुत शुक्रिया हो जाए फिर आपको करता हूँ। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो करारदाद पेश की 9 मई के वाक़यात जो कि पाकिस्तान में कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे, उसके जो मंदरजात हैं उससे तकरीबन हर पाकिस्तानी हर मोहब वतन ज़रूर इत्तफाक भी करता है और उसकी तायद भी करता है। और उसके बाद आज हमें वज़ीर आज़म साहब को सुनने का मौका मिला, तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने एक पॉलिसी गवर्नमेंट की डिक्लेयर की और बताया कि ऐसे कल्पर्ट्स को ऐसे अनासर को जो किसी भी तरह से मुल्क की वहदानियत को मुल्क की यकजहती को मुल्क की सालमियत को निशाना बनाएंगे या उनकी ऐसी जो अमल और किरदार होगा उसको किसी सूरत में बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ किसी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में नहीं बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी और वो कानून कवानीन मौजूद भी है जैसा कि इस करारदाद में बताया गया और सब लोग जो जानते हैं उनके इल्म में भी होगा कि तमाम कोर्ट्स का क़याम या इसके ऊपर अमल दरामद उसी कवानीन के तहत किया जा रहा है जो इससे पहले आईन में मौजूद थे इदारों के पास मौजूद थे। इसमें ज़रूर हमें ये देखना होगा कि इस तमाम चीज़ों के पीछे किन लोगों का हाथ है। अगर हम ये देखें कि कार्रवाइयाँ शुरू किस तरह हुई या माहौल कैसा बनाया गया तो आप और हम सब इस बात के यानी शाहिद हैं कि पिछले साल जब अदम एतमाद तहरीक लाई गई असेंबली में खुद उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको छोड़ना शुरू किया, हुकूमत नहीं चला पाए, मैशियत ख़राब हो गई, मुल्क में सूरत हाल ख़राब हो गई और जब वो अपने वजन से खुद गिरने लगे और इस ऐवान में अदम एतमाद आई जो एक जमहूरी और आइनी तरीका और हुकूमत की तब्दीली आई, उसी दिन से एक झूठ का सहारा लेके बयानिया का सहारा लेके अमेरिकन साइफर की बुनियाद पर या किसी भी बुनियाद को बुनियाद बना के ये चीज़ साबित करने की कोशिश की जाती रही कि शायद ये शख्सियत या ये जमात पाकिस्तान के लिए लाजिम मलजूम है, इनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। और ये वो चीज़ें थी कि जिनको तसलसल के साथ तवातुर के साथ बयान किया गया, अवाम के जहनों में ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल के सामने उनके अंदर इस चीज़ को ठोंसा गया और उनके ऊपर इस तरह का सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर इस तरह की ये तस्वीर कशी की गई, मंजर कशी की गई कि लगे कि उनके ये तमाम कार्रवाई कोई जमहूरी नहीं है, ये तमाम कार्रवाई कोई पाकिस्तान के बाशहूर साहेब शहूर साहेब अक्लो फहम लोगों ने नहीं बल्कि किसी साजिश का नतीजा है। बल्कि अब हमें यह समझ आ रहा है और ये बात खुद उनकी उससे साबित हो गई कि ये साजिश वो नहीं थी, साजिश तो अब हुई है, साजिश तो अब हुई है जो की जा रही है पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ। स्पीकर साहब उनको मैं कहना चाहूंगा ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों से पूछें कि पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, किस तरह आगो खून के दरिया अबूर करने पड़े। मैं इसके बस ये कहूंगा कि हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, भरी बहार में सब इस तरह अपना बाग जला, मिली नहीं हमें अर्ज़े पाक तोहफे में जो लाखों दीप बुझे तो ये चराग जला। अगर ये सब बात हम समझ लें तो फिर कभी भी पाकिस्तान को नुकसान देने का नहीं सोच सकते। हम पहले भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि 9 मई 2023 को कोई नहीं भुलाएगा, उस दिन को योम सियाह के तौर पे याद रखा जाएगा और जो इसके मुलजिम हैं जिन्होंने हरकतें की जिन्होंने कौमी वकार की चीज़ों को शोदा की यादगारों को इदारों की मिल्कियत को जो कि इदारों की नहीं कौम की मिल्कियत हैं उनको नुकसान पहुंचाया उनके लिए ये दिन योम नदामत के तौर पर याद रखा जाएगा। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब ये तमाम चीज़ें हो रही थीं तो ये कोई एक दिन में वजूद में नहीं आ गई। आप पर इल्ज़ाम लग रहा है, आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम लग रहा है तो उसका तरीक़ेकार मौजूद है, उसको फेस करने का, उसके साथ निमटने का, उसके जवाब देने का, अपने आप को बेगुनाह साबित करने का आपको तमाम तर मौका मौजूद है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा था
कि जब कभी ऐसे केसेस आ रहे थे, ऐसी चीजें सामने आ रही थी, तो उसका जवाब कानूनी तरीके से देने के बजाय एक इस तरह से दिया जा रहा था कि ये चीज लगे, जिसे मैंने पहले कहा कि ये साबित करने की कोशिश की गई कदम एतमाद से लेके आज तक साजिशें हुई, तो वो इस चीज को भी साजिश बनाते रहे, अपनी किसी करप्शन का जवाब नहीं दे सके। और जब कोर्ट्स की तरफ से वारंट गए, हमें याद है कि जब जमान पार्क पे वारंट देने जो टीम गई उसके साथ क्या सलूक हुआ, अभी वजीर दिफा ने बताया कि उसका DIG जिसको उस वक्त पथराव से पत्थर लगे उसकी आंख जाया होने का खतरा है। यानी कि वारंट की तामील कराने जाएं जान का खतरा, गिरफ्तारी करने जाएं तो पेट्रोल बमों से हमला हो, अगर उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो जाए तो मुल्क की हर चीज को जला के राख कर दिया जाए। ऐसा कौन सा कानून है, ऐसी कौन सी शख्सियत है, ऐसी कौन सी चीज है। मैं चेयरमैन साहब को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला हाल जिस तरह आप मेंबर बन के हमारे साथ ताउन करते हैं इसी तरह यहां पे भी करेंगे। शुक्रिया जनाब। तो ये चीजें हमें देखने के लिए जब हम पूरे इस माहौल को देखते हैं तो समझ आती है कि एक दिन में माहौल नहीं बनाया गया, इसकी तैयारी एक साल से की जा रही थी। पहले पिछले साल मई में इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, उसके बाद वक्तन फौक्तन कोशिश की जाती रही कि मुल्क के अंदर अनार्की फैलाई जाए, बजाय ये कि एक मुस्तहकम जमहूरियत के लिए कोशिश की जाए, बजाय इसके कि मुल्क को मजबूत किया जाए, बजाय इसके कि यहाँ पे बैठे हुए लीडरों के मिसा के जमहूरियत की तरह मिसा के मैशियत के जवाब दिया जाए, उनके साथ से मुहिदे किए जाएं कि मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो, गरीबों के हालात अच्छे हों, महंगाई कम हो, इसकी तरफ कोई तवज्जा नहीं थी। पूरा एक वन पॉइंट एजेंडा था कि मुझे हुकूमत से क्यों निकाला है और मुझे हुकूमत में दोबारा वापस लाया जाए। और ये मुतालबा भी किससे किया जा रहा था कि जिनको वो एजेंट साबित करने पे तुले में, ये मुतालबा भी उनसे किया जा रहा था कि जिनकी आज ये बातें कुछ अशखास की, कुछ पर्सनैलिटीज की हमारे सामने आ गई हैं कि उन्होंने पहले हुकूमत बनाने में मदद की, गो के उनका अमल वो गैर आइनी था, उनके इस अमल ने मुल्क को ये नुकसान पहुंचाया। जिस तरह मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की कराची की 14 सीटें छीन के इनको दी गई, हमारे वोट बैंक को मुतासिर किया गया, उसके बावजूद आप ये देखें, क्योंकि हम सियासी वर्कर हैं, यहां बैठी हुई तमाम जमातें सियासी वर्कर के तौर पे काम करती हैं, सियासत अवाम की खिदमत के लिए करती हैं, मुल्क की तामीर के लिए करती हैं, हमने उस चीज को पसे पुश डाला, इनसे तावुन किया कि किसी तरह से मुल्क फिर आगे बढ़े, मुल्क मजबूत हो। लेकिन 3.5 साल गुजारने के बाद हमें पता चला यहां तो किरदार भी नहीं है, यहां तो आपके पास कोई पॉलिसी भी नहीं है, और बजाय मुल्क को आगे ले जाने के मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं। और उसके बाद जब हमने अपना फैसला कर लिया तो उसको भी एक जमहूरी तरीके से अमल दरामद करवाया, हमने भी बड़ी सजाएं भुगती हैं, हमारे भी लोग असीर भी हुए, लापता भी हुए, हमें भी बड़ी शिकायतें होंगी। लेकिन ये सब आप जानते हैं कि उन शिकायत के अजाले के लिए हमने इस पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया, उस शिकायत के अजाले के लिए हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, कभी भी गैर आइनी गैर जमहूरी तरीके नहीं आजमाए। लेकिन जो 9 मई को हुआ वो ये बात साबित कर रही थी कि उनके सामने पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, उनके सामने अपनी जात का एजेंडा है। मुझे अफसोस उन नौजवानों पर होता है, उन दोस्तों पर होता है जो हमारे गली मोहल्ले के बच्चे हैं, हमारे शहर के बच्चे हैं, जो ना जाने किस शहर में गिरफ्तार होकर इनके पीछे चले गए। उनको अब आंखें खोलनी चाहिए कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास एक ही एजेंडा है कि किसी तरह मुझे हुकूमत में लाया जाए, किसी तरह मेरी हुकूमत कायम कर दी जाए, ताकि मैं पाकिस्तान को वो जो इनके ख्वाब है दुश्मनों का नीस्त नाबूद करने का, उसका हिस्सा बन जाऊं। मैं आप सबको दावत आम देता हूं कि जो डॉक्टर इसरार अहमद मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, स्कॉलर थे, जिनका टॉपिक ही अध्ययन के दरमियान जो है कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स उनका टॉपिक होता था अपनी तकारीर का, उन्होंने 20 साल पहले कह दिया था, जबकि अभी ये पार्टी भी नहीं बनी थी, ये लोग सियासत में भी नहीं आए थे, कि एक और सिहोनी एजेंडा शुरू हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। आप हकीम सईद की किताब को उठा के देख ले, वो भी यही बता रहे हैं। अगर हम उनकी बात नहीं माने, वो टाइम गुजर गया, तो आज ये अमल साबित कर रहा है कि इनका एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की तबाही थी, इदारों की तबाही थी,
लेकिन हमें उनको बता देना चाहते हैं कि उनका किसी तरह का भी अमल ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं जो आज यहां मौजूद हूं तो 7.5 लाख पाकिस्तानियों का नुमाइंदा बन के बात कह रहा हूं। ये ऐवान 25 करोड़ पाकिस्तानियों का नुमाइंदा ऐवान है। ये ऐवान इस बात का ऐलान कर रहा है कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। ये इदारों में बैठे हुए लोग, इदारों के मुलाजिम, ये तमाम चीजें हमारी हैं। वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे लिए अवलियत रखता है, इसके अलावा कुछ नहीं रखता। तो मैं इस करारदाद के जो मंदरजात हैं उसकी हिमायत करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि जरूर सोशल मीडिया आजादी इजहार राय के हम सब कायल हैं, लेकिन उस वक्त तक उसमें झूठ जब तक शामिल ना हो, उस वक्त तक जब तक उसको इस तरह पेश नहीं किया जाए कि झूठ को सच बना के पेश करना शुरू कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप कैमरा ट्रेस को देखें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखें तो लगता यह है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मनफी चीजों को उभारने के लिए किया जा रहा है। तो उस पर भी जरूर कदगन तो लफ्ज सख्त हो जाएगा, उस पर पाबंदियां होना चाहिए। उसका इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि कोई अपने झूठ को फैला ना सके, मासूम जहनों को वर्गला ना सके। ये हम सब की कौमी जिम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। थैंक यू जी।